मेरा घर है प्रेमचंद गीता सोनी ने कब्जा करके रखा। मेरे माँ बाप ख़त्म हुए तो फिर बाद में हम लोग बहुत दौड़े, बहुत पुलिस के पास गए, कमिश्नर के पास गए, DCP के पास गए और CP साहब के पास भी। घर खाली मतलब कराने के लिए बहुत दौड़ रहे, मतलब CM साहब के पास भी गए, मुख्यमंत्री के पास भी, उन्होंने भी फ़ोन लगाए DCP साहब को, बोले कि मतलब इनका घर जिसके नाम पे घर है उनको मतलब घर में रहो और जिसके नाम पे नहीं उनके ऊपर कार्रवाई करो। देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। भिवंडी में एक गरीब विकलांग महिला का घर और दुकान दबंगों ने किया कब्जा। न्याय के लिए भटक रही है महिला। भिवंडी के कनेरी इलाके की रहने वाली 36 वर्षीय पूनम रामचंद्र सोनी, जो एक अपंग महिला है, जिनका मकान और दुकान दबंगों ने कब्जा कर रखा है और पीड़ित महिला इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। इस प्रकरण में भिवंडी NCP महिला शहर अध्यक्ष स्वाति कामले ने पत्रकारों से बताया कि 6 माह पूर्व एक विकलांग महिला उनके पास मदद मांगने आई, जिसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसका घर और एक गाला प्रेमचंद्र संगीता सोनी ने जबरन कब्जा कर रखा है, जिस गाले में शिवम कुमार नामक व्यक्ति भक्ति नाम की मेडिकल चला रहा है और घर खाली करने को बोलने पर उनकी बेटी और उनके साथ मारपीट भी की जाती है, जिसका मामला शहर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। पर अतिक्रमण कर रखे दबंगों का कहना है कि तुम कहीं भी जाओ, हमारा कुछ नहीं होगा। अपने घर को वापस लेने की मांग को लेकर पीड़ित महिला वर्षों से दर दर इंसाफ की गुहार लगाती रही, पर अभी तक उन्हें मायूसी ही हाथ लगी है। यहां तक कि पीड़ित महिला ने CM एकनाथ शिंदे जी से भी मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है, पर अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि घर और उसमें लगा टोरेंट पावर कंपनी का मीटर स्वयं महिला के नाम पर है, जिसका बिल दबंग कब्जा धारक ने करीब 60,000 रूपए बकाया कर रखा है। सब कुछ उक्त महिला पूनम रामचंद्र सोनी के नाम पर होने के बावजूद वे खुद घर से बाहर है। आखिर कब मिलेगा पीड़ित महिला को इंसाफ, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। देखिए ये महिला जो है 6 साल से 2015 से दौड़ रही है। जब इनके माँ पिता की जब डेथ हो गई, मृत्यु हो गया, उस वक्त इनके जो दूर के रिश्तेदार थे, जो इनका सांत्वन करने आए थे, जो इनको दुखी थे तो इनको सांत्वन करने आए थे, उन लोगों ने इनके घर में रह रह के, अभी मौत मिट्टी में कोई आता है तो कोई फ़ौरन उसको घर से भगाता नहीं है, तो ऐसा करते करते वो लोग रहने लगे। और जाहिर सी बात थी, ये शादीशुदा थी तो अपने घर गई है, एक चाची वहाँ रहती तो चाची को देखभाल के रूम दिया था, चाची को खाना पीना पहुँचाती थी, मगर चाची के साथ वो लोग रह के उन लोगों ने रूम पर कब्जा कर लिया। और उस वक्त रूम इनके नाम पर नहीं थी। जब ये महिला मेरे पास आई, उसके बाद मैंने एडवोकेट विजय जाधव के पास इनको भेजा, फिर हम लोगों ने रूम इनके नाम की, कोर्ट का ऑर्डर है इसमें। इससे पहले रूम किसके नाम पे था? इसके पहले रूम इनके पिताजी के नाम पे था, माँ के नाम पे था रूम, इसके पहले इनके माँ के नाम पे था। तो मैंने कहा कि आपको जब लड़ाई लड़नी है तो रूम अपने नाम पे कर लो, तो हमने कोर्ट से जाके रूम इनके नाम किया। वहाँ भी उन लोगों ने झूठे कागजात पेश किए, मगर कोर्ट में बोलते ना कि सच्चाई की जीत होती है, इनको कोर्ट ने वारस दाखिला दे दिया। वारस दाखिला मिलने के बाद इनका असेसमेंट किया, घर पट्टी बनी, इनका मीटर तक इनके नाम पे हो गया, इनका घर इनका ऊपर है, नीचे एक मेडिकल है जिसका नाम है भक्ति मेडिकल। अभी वो मेडिकल वाला, उसके लिए भी हमने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मेडिकल और जो ऑफिस है वहाँ पे अन्न औषध पुरोठा विभाग, वहाँ उन्होंने भी नोटिस दिए, आखिर में उस मेडिकल का परवाना रद्द हुआ है, फिर भी वो बंदा मेडिकल चला रहा है। टोरेंट पावर लाइट बिल इनके नाम पर है, 60,000 के ऊपर उसने लाइट बिल करके रखा है, लाइट बिल भरा नहीं है, उसके ऊपर विजिलेंस केस करवाई, बार बार टोरेंट पावर में आरजी देने के बाद टोरेंट पावर ने आके चेक किया, उसके ऊपर विजिलेंस किया, फिर भी वो बंदा चोरी से लाइट चला रहा है, इनको एक रुपया देता नहीं है, ऊपर से 60,000 उसने बिल करके रखी है। मसला ये है कि आज ये महिला पुलिस प्रशासन नेता सभी के पास गई है, खुद का घर होकर ये विकलांग महिला है, ये पैर से अपाहिज है, आज ये अपने हक के लिए दौड़ रही है, मगर इसको इसका घर नहीं मिल रहा है। मैं पुलिस प्रशासन भिवंडी के सभी नेताओं से सबसे गुजारिश करूंगी कि इस महिलाओं का आप सपोर्ट करो, ये विकलांग महिला है, उसका घर है, वो उसको मिलना चाहिए, उसके नाम से पूरे पेपर है। और जो मेडिकल वाला जो भाड़ा इनको देता नहीं है, बल्कि इतने साल से वो मेडिकल चला रहा है, उसकी जो इलेक्ट्रिक की पावर है वो टोरेंट पावर तुरंत कट करे, उसके ऊपर विजिलेंस का गुनाह करे, और 60,000 रुपया ये नहीं भरेगी।
क्योंकि 2015 से इसने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मीटर इसके नाम पे होने के बावजूद। तो मैं आप सभी न्यूज़ वालों से ये गुजारिश करती हूँ कि इस महिला को आप न्याय इंसाफ दिलाओ, ताकि इसका घर इसको मिल सके जो इसके बाप ने और इसकी माँ ने इसको दिया हुआ है। मैडम जानकारी दें कि पुलिस कंप्लेंट होने के बाद भी आखिरकार पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? यही बात तो मैं बोल रही हूँ ना, आज आप लोगों को बुलाने का मकसद यही है कि अभी वारस दाखिला इनके नाम पे है, मगर अभी पुलिस बोल रही है कि तुम कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। अभी कौन से ऑर्डर ये लोग लेके आए वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। इनके लड़की को ये लोग जाते हैं तो इनसे मारपीट होती है, उनके आदमी को झूठे केस में फंसाने की धमकी मिली है कि कोई भी केस में फंसाए गए, लड़की का भी गुना दाखिल है, लड़की को भी इस तरीके से मारपीट हुई है, मगर कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। धावन नाका कनेरी, मेरा घर है, प्रेमचंद संगीता सोनी ने कब्जा करके रख। कौन है ये प्रेमचंद संगीता सोनी? वो दूर के रिश्ते में, मतलब मेरे रिश्ते में, मतलब दूर से है। कब से कब्जा करके रख? 2015 से। तब से अब तक आप क्या कर रहे? मेरे माँ बाप खत्म हुए तो फिर बाद में हम लोग बहुत दौड़े, बहुत धूपे। कहाँ कहाँ दौड़े आप लोग? कमिश्नर के पास गए, DCP के पास गए और CP साहब के पास भी गए, तो वहाँ से नहीं हुआ। आपका खुद का घर है तो आपने भाड़े पे दिया था कि उनको ऐसे ही रहने के लिए दिया था, क्या है? उनको बाजू में रहते थे, जब मेरी माँ खत्म हुई तो उन लोग आए ऐसे खड़े हुए माँ के मतलब मट्टी में आते, तो घर में मतलब घुस गए। इसके बाद हम लोग बोल रहे कि घर से निकलो, तो बोल रहे कि हम काय को निकलो, तुम निकलो, अब ये मेरा है। कितने साल से लोग घर में घुस के रह रहे? हो गया 6 साल हो गया सर। 6 साल से रह रहे ऐसे घुस के? ऐसे आए बाजू में रहते थे और बोले घर में घुस जाएंगे? हाँ। पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास गए, सब हुआ। 6 साल से दौड़ रही है, FIR भी हुआ। मतलब पहले पुलिस ने क्या एक्शन लिया? तो उन लोग थोड़ा एक दिन अंदर रखे थे, फिर उसके बाद बोले कि उनको कुछ एक्शन नहीं किए, मतलब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की कुछ। आपने कौन सा पुलिस स्टेशन गए? कुमारवाड़ा में पे। जब 6 साल से आप कुमारवाड़े का चक्कर लगा रहे हो? 6 साल से। और मुख्यमंत्री से भी मिले? पहले तो बाद में भी मैडम से मिले, तो इसके बाद मैडम को हाल बताए हम कि हमारा पर स्वाति मैडम ने। स्वाति मैडम बोले कि हम एक वकील देते हैं, तो आप आगे मतलब जा वकील के पास गए तो हम पेपर बनाए, तो फिर बाद में कोर्ट में केस फाइल किए तो हमारे नाम पे हो गया। अब क्या मांगनी है? जब नाम पे हुआ फिर भी हम उनको घर पे जाके बोले कि हमारा घर खाली करो, तो भी हमारे को धक्का दिया, पैर पे मारा लाश से, तो बोल रहे कि हम काय को खाली करो। तो बाद में फिर से हम कुमारवाड़े में गए तो वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं। अब क्या मांगे आपकी, अब क्या चाहते हो? अब मैं अब घर खाली मतलब कराने के लिए बहुत दौड़ रहे, मतलब CM साहब के पास भी गए, मुख्यमंत्री के पास भी, उन्होंने भी फ़ोन लगाए DCP साहब को, बोले कि मतलब इनका घर जिसके नाम पे घर है उनको मतलब घर में रहो और जिसके नाम पे नहीं उनके ऊपर कार्रवाई करो। तो घर की घर पट्टी आपके नाम पे है? मेरे नाम पे। पावर बिल किसके नाम पे? पावर बिल भी मेरे।